एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं ने हॉस्पिटल से वेकेशन के लिए छुट्टी लेता है बट किसी को नहीं बताता कहाँ जा रहा है फिर का सामान लेके निकलता है फिर वो अपने बारे में बताता है कि तीस साल बाद टनल में गया था तो उसको सुकून मिला था क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा था कि उसका सीक्रेट कोई नहीं जानता था बट टनल में उसको दो वाला पार्क देख लेता है फिर पास के रेस्टोरेंट में टनल के बारे में पूछता है तो अब उसे पता चलता है तीस साल पहले मर्डर के बारे में जिन उसका पीछा कर रहा था उसको लगता है कि उसका सुकून ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा इसलिए वो दो हजार सोना वाले पाक को मार देता है बट किस्मत का खेल भी ऐसा था कि सुन जे पाक और उसकी बेटी सब आके वापस उससे मिले फिर देखते हैं कि वो जेई को बंद करके डिक्की में ले जा रहा है इधर पाक जब जेई से नहीं मिल पाता तो टेंशन में आ जाता है फिर वो सुनजे को कॉल करके सब बताता है तो वो लोग सी टीवी देखने जाते हैं देखते हैं कि जेई की कार के पास एक आदमी खड़ा है तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो जिन वो ही होगा बट उसकी कार में वो लोग को जेई नहीं दिखती है तो घबरा जाते हैं फिर वो लोग कंट्रोल रूम के लिए निकलते हैं यहाँ जेई होश में आ जाती है और हाथ खोलने की कोशिश करती है वहाँ चीफा के नाकाबंदी लगा के उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है फिर चेकिंग करने पे पता चलता है कि जिनमो ने जेई को बेहोश करके ले गया है इधर ये दोनों सारे सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और उसका रास्ता जानते हैं कि वो किधर गया होगा फिर देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे उसका लास्ट ट्रैक हुआ है उधर जिन वो की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है यहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी से वो पेट्रोल पंप 20 मिनट का रास्ता है बट उसको 40 मिनट लगा मतलब बीच में वो कहीं तो रुका है होगा क्योंकि वो जेई को हर जगह तो ले जा नहीं सकता है पकड़े जाने का जो डर था फिर पाक पूछता है कि उसकी ग्रैंड मदर का घर कहाँ था वहां देखते हैं क्योंकि वो तो जगह जानता है ना वहीं जाएगा तो सुनजे बोलता है उसकी प्रॉपर्टी चेक किया हो उतना कुछ खास मिला नहीं है फिर सुनजे और पाक फैसला लेते हैं पहले ये पता लगाने का कि वो कहाँ जाने वाला है शिव बोलता है ठीक है मैं हाईवे का सीसीटीवी देखता हूँ और ताही मीना उसके इंटरनेट हिस्ट्री कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं उधर मैकेनिकल आके उसकी गाड़ी का टायर ठीक कर देता है जब जेई को लगता है कि कोई है तो पैर से आवाज करती है तो उसको शक होता है तो वो डिक्की की तरफ बढ़ता है जिन उसको मारने के लिए भी रेडी रहता है तभी वो मैकेनिक को कॉल आता है तो वो चला जाता है फिर जिन वो जेई को वापिस बेहोश कर देता है इंजेक्शन दे इधर पुलिस स्टेशन में सब लोग काम पे लग जाते हैं कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए फिर चेफ सीसी टीवी में देखता है कि मैकेनिक की गाड़ी है तो उसको कॉल करके पूछता है तो वो सब बता देता है वो जिस एरिया में जा रहा था वहाँ उसका कोई घर तो नहीं था बट वहाँ वो मेडिकल कैंप के लिए गया था तो चीफ पूरी टीम को ले के वहाँ जाके छानबीन करता है उधर देखते है कि जिन वो जेई को बंद कर रखा हुआ है उस एरिया में आधी टीम आके चेकिंग करती है बट वो लोग को कुछ नहीं मिलता तो चली जाती है फिर जिन वो जेई को बोलता है कि तीन बार पूछूंगा पेन कहाँ है अगर नहीं बताओगी तो मारी जाओगी कि वो जब उससे पहली बार पूछता है तो वो नहीं बताती तो दूसरी और तीसरी बार पूछता नहीं ये सीधा उसका गला दबाता है तो फिर वो बोलती है इंग्लैंड में है मेरे बचपन का सारा सामान इंग्लैंड में है तो मुझे बस कॉल करना है वो बोलता अगर मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करोगी तो मारी जाओगी फिर वो इंटरनेशनल कॉल करके बोलती है फाउंटेन पेन भेजने जो तीन दिन में आने वाला था वहाँ से यहाँ सुनजे को उसका दोस्त कॉल करके बोलता है कि इंग्लैंड से कॉल आया था वो पूछ रही थी कि जय ठीक है कि नहीं क्योंकि उसने कोई फाउंटेन पेन मंगाई है इंग्लैंड कॉल करके बोलता है कि जल्द से जल्द पहुँचा नहीं फिर ये लोग फैसला लेते हैं यूनिवर्सिटी में छुप के जिन वो को पकड़ लेंगे क्योंकि जय अपनी जिंदगी रिस्क में डाल के ये को तीन दिन का टाइम दे रही है अगर ये लोग नाकामयाब हो जाते उसकी जान खतरे में हो सकती है ताही पाप को बोलता है की टेंशन मत लो तीन दिन में सब खत्म हो जाएगा वो बोलता है तीन दिन मुझे तीस साल के बराबर लग रहा है यहाँ जिन वो जई को पानी देता है तो वो नहीं पीती फिर उससे सवाल करती है कि ये दीवार पे जो ड्राइंग है वो तुमने बनाया हो ना तुम अपनी मॉम के साथ यहाँ रहते थे ना मैंने जिन्होंने से पूछी थी कि वो स्कर्ट से इतना ऑब्वियस क्यों है बट वो अबसेशन तुम्हारा था ना तुम्हारी मॉम स्कर्ट पहनती थी ना तभी उन सब लड़कियों में अपनी मॉम को देखते थे ना तुम्हारी मॉम कैसी इंसान थी फिर जिन वो अपने घर में देखता है फिर पहले का दिखाता है जहाँ वो ऊपर बैठ के कॉमिक बुक पढ़ता था फिर जब वो खत्म हो जाता तो अपनी मॉम को चिल्ला के बताता है बट उसकी मॉम उसको चिल्लाती है फिर जे ही पूछती क्या तुम्हारी मॉम स्कर्ट और स्टॉकिंग पहन के बाहर जाती थी और तुम इस घर में अकेले अपनी मॉम का वेट करते थे तुम अपनी से नफरत करने लगे ना क्योंकि वो तुम्हें ऐसा ही होता था उसकी के बाहर जाती थी उसे छोड़ के फिर जय ही बोलती इसलिए तुम स्कर्ट वाली औरतों को मारते हो ना क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी मॉम की याद दिलाती है वो तुम ही थे ना जो अपनी मॉम को बार बार मार रहे थे जुनू नहीं था ना वो बोलता तुम्हें कुछ नहीं पता वो सब औरत को मारने की वजह थी जयी बोलती कुछ भी जिन्होंने जैसे ही हो जो मजे के लिए मर्डर करते हो वो बोलता मैं अलग वो सब औरत ने गलत की थी वो लोग अकेले बाहर घूम रहे थे इतनी रात को नहीं घूमना चाहिए था जी बोलती क्या बकवास है की सुनिए क्या की थी वो तो अपने हस्बैंड के लिए टाई लेने गई थी ना वो बोलता मैंने देखा वो बस में दूसरे आदमी को देख के हंस रही थी ऐसी माँ बच्चे को क्या अच्छे से पालती इससे अच्छा तो बिन माँ के वो बोलती गलत हो तुम तुम बस वो औरतों को मारे क्योंकि तुम्हें मारने का मन किया तुम बस मर्डर हो जो एंजॉय करते हो जिन्हों की तरह वो गुस्से से उठ जाता तो यही बोलती क्या वापिस से गलत दबाओगे देखा तुम्हें तो किसी को भी मारने का मन कर रहा है मारो फिर मुझे मार मारना मर्डर कहीं का जिन वो वहाँ से चला जाता है फिर वह पहले का दिखाता है कि उसकी मॉम ने ही उसको फाउंटेन पेन गिफ्ट की थी वो बहुत खुश था फिर उसको भेज के आदमी के पास जाती है तो टैक्सी ड्राइवर उसकी मॉम के बारे में कुछ गलत बोलता है तो जिन वो उस टैक्सी ड्राइवर को बहुत मारता है ये बोल के कि मेरी मॉम ऐसी इंसान नहीं है इधर ये लोग सब ब्लू देखते हैं यूनिवर्सिटी का प्लानिंग करते हैं कि कहाँ जाके उसको कैसे पकड़ेंगे फिर तैयारी करके निकल पड़ते हैं और यूनिवर्सिटी में जाके पोजीशन ले लेते हैं जिन वो जेई का मुंह बंद करके निकल पड़ता है फिर वो लोग देखते हैं कि डिलीवरी वाला यूनिवर्सिटी में पैकेज डिलीवर करता है बट किसी और को तो जब उसे पूछते तो वो बोलते हैं जेई का ऑर्डर तो किसी ने ले लिया रोड पे क्योंकि जिन वो ने ये लोग की प्लानिंग सारी सुन लिया था इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता है फिर जिन वो देखते हैं कि पार्सल में एक बुक के साथ नॉर्मल पेन है इधर ये लोग सब सोचते ही रहते हैं कि आके जिनवो को पता कैसे चला उन लोग के प्लान के बारे में फिर पाक भी बोलते हैं उसको ये भी कैसे पता चला कि जेई के पास पेन है वो तो मेरे और संजय के बीच में था तभी संजा की नज़र किंग पे पड़ती है तो वो खोल के देखते हैं कि उसमें हियरिंग डिवाइस है तो वो लोग को बहुत गुस्सा आता है पाक इतना भरका रहता है कि वहाँ से चला जाता है वहाँ जिन वो जेई को जाके चिल्लाता है मुझे बेवकूफ़ बनाई हाँ अब बताओ पेन कहाँ इंग्लैंड में नहीं है ना तो कहाँ है बताओ बट वो कुछ भी नहीं बताती यहाँ पार्क जेई की याद में उसके घर जाता है है और देख के उन सॉरी बोलता है क्योंकि उसने बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाया फिर प्रॉमिस भी करता है कि वो जल्दी उसको ढूंढ लेगा तभी उसकी नजर रिकॉर्डर तो सुनता है उसमें वो बात रिकॉर्ड रहती है जो उसने वो आंटी से की थी तो पाक समझ जाता है कि जिन वो जरूर ऐसी जगह होगा जो उसकी मम से रिलेटेड हो फिर वो लोग हॉस्पिटल में जाके उसकी मॉम का एड्रेस लेते हैं जब वो उस टाइम पे रहा करती थी इधर जे ही जिन वो कोई सवाल का जवाब नहीं देती है तो वो धमकी देता है कि तुम जिसे ढूंढ रही थी वो पाक है ना कैसा लगा अपने फादर से मिलकर इतने दिन बाद कैसा लगेगा अगर मैं ऐसी न्यूज़ फैला दूँ कि उसने दो वाले पाक को मार के उसकी जगह पर रह रहा है तो जेई डर जाती है और बोलती प्लीज ऐसा मत करो तो वो पूछता फिर बताओ पेन कहाँ है फिर पहने का दिखाता है जहाँ यूँ उस पेन को टेडी बियर में छुपा के सिल देती है और जेई को प्रॉमिस करने बोलती है कि किसी को नहीं बताना है उसके पापा के सिवा तो वो कुछ नहीं बताती है फिर जिन वो हंसता है और बोलता है मुझे तुम्हें शुरू से ही मार देना चाहिए था और उसकी तरफ बढ़ता है मारने को तभी वहाँ पुलिस आ पहुँचती है पाक घर में जाके देखता है कि वहाँ कोई नहीं है फिर वो लोग को आवाज़ आती है और देखते हैं कि जिन वो उसको ले जा रहा है वो तो वो जल्दी से उसके पीछे भागते हैं जिन वो जेई को गाड़ी में बैठा के लेकर जाता रहता है तभी जेई को होश आता है तो वो गाड़ी से कूद जाती है जिन वो वहाँ से निकल जाता है फिर ये लोग जेई को हॉस्पिटल ले जाते हैं बट ज़्यादा कुछ सीरियस छोट नहीं लगी रहती है तो वो बाहर आके पूछती है जिन वो नहीं पकड़ पाई क्या पाक बोलते सीरियसली अभी आराम करो वो बोलती है कि मेरे साथ चलो मेरे पास सबूत है फिर वो अपने घर में जाके टेडी निकालती है पाक को याद आ जाता है कि वही टेडी है जो उसने उसके लिए खरीदा था फिर जेई उसको उसमें से पेन देती है पाक जेई और युनसुक को थैंक यू बोलते हैं पेन रखने के लिए फिर जेई पूछती है क्या लगता है वो पेन से इतना ऑब्सेस क्यों था कि और उसने मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं मारा अगर मुझे मारता तो किसी को भी पेन के बारे में पता नहीं चलता क्यों पेन उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है फिर में वो लोग पेन को दे देते हैं डीएनए के लिए फिर ये लोग पुलिस स्टेशन में रिजल्ट का वेट करते रिजल्ट देखते हैं कि दो विक्टिम जो उसने में मारा था, उसका मिला और जिन वो का भी डीएनए मिला है बट तीस साल पहले विक्टिम का नहीं मिला क्योंकि बहुत टाइम हो गया था सुन थोड़ा उदास भी था क्योंकि उसके मॉम का मर्डर प्रूफ नहीं कर सकते थे उधर जय ही वापिस से उसके घर जाती है और उसके सामान देखती है उस उसको एक डायरी मिलती है इधर जिन वो वही चर्च जाता है जहाँ उसको वही मिलिट्री वाला अपने हाथ का टैटू के बोलता है कि इतने मैंने इतने लोगों को मारा हूँ हमें मिल गंदे लोगों को मारना होगा फिर उसकी माम की डेथ के होती है। तो हॉस्पिटल जाता है और अपनी माम से पूछता है क्या आप भी खराब थी इसने मरी क्या फिर वो बड़ा खुश था क्योंकि उसको अभी तक पकड़े जो नहीं थे वहाँ ये जे ही अपने साथ वो डायरी ले लेती है इधर पुलिस स्टेशन में ये लोग जिनों के बारे में और डिटेल पता लगाने की कोशिश करते हैं सुन बोलता है जरूर वो वापिस से मर्डर करना स्टार्ट करेगा फिर पाक भी बोलता है कि वो वही एरिया में मर्डर करता है एंड वो ऐसी लड़कियों के पीछे जाता है जो उसको बट अभी अलग जगह करता है फिर वो लोग जब ध्यान से देखते तो मालूम पड़ता है कि वो सारी लड़कियाँ आखिरी बार जहाँ थी वो हॉस्पिटल से नजदीक है एंड वहीं से जिन वो वो लोगों को ढूंढ के उनको फॉलो करके उनको मारता होगा तो सभी लोग उस एरिया के पास जाके पहरादारी करते हैं उस एरिया की सारी सीसीटीवी पे चीफ नजर रखता है फिर जब वो लोग देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की का पीछा कर रहा है तो ये दोनों उसके पीछे जाते हैं और उसको पकड़ते हैं बट वो जिन वो नहीं रहता है फिर पाक को जय की सारी बात याद आती है तो वो शौक हो जाता है इधर जय अपने घर जाती है तो देखती है कि जिन वो उसके घर में उसका इंतजार कर रहा है तो वो भागती है बट जिन वो उसको पकड़ के उसका गला दबा के बोलता है कि जैसे पाक ने मेरे साथ किया है मैं भी उसकी कीमती चीज ले लूंगा जो कि तुम हो पाक की बेटी और जोर लगा के उसका गला दबाता है एंड यही एपिसोड खत्म हो जाता है क्या पाक इस केस की वजह से अपनी वाइफ की तरह अपनी बेटी को भी गवा देगा या जिन वो को पकड़ के केस सॉल्व होगा जानिए लास्ट एपिसोड देख के तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बाय टेक केयर